नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डेट डिक्लेयर कर दी गई है 12 जनवरी 2020। अभी आपके पास बचे हैं कुल मिला के 15 दिन, तो कम से कम बचे ही हैं, ठीक है। 5 दिन इधर है और 10 दिन उधर, मान लीजिए 1 दिन और 11 दिन, 16 दिन है करीबन, 1 दिन आने जाने में लग जाएगा, तब भी 15 दिन है आपके पास। इन 15 दिनों में कैसे जो है आप ऐसी चीजें पढ़े जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके, उसके बारे में इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहली एक जानकारी है कि आपके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ की और आरओ की और प्लस कंप्यूटर असिस्टेंट प्लस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए वो आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे। चाहे आप इस बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे अगली बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो वाले वीडियो आप देखते रहिए उसमें। अब देखिये 200 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे टोटल मिला के इलाहाबाद वाले पेपर में, ठीक है, हाईकोर्ट वाले पेपर, मतलब सबके लिए लगभग जो है परीक्षा का पैटर्न वही है। 200 में से सबसे ज्यादा जो वेटेज है किसका है, जीएस का, जीएसजी के, मतलब 100 नंबर की आती है जीएस। ये ऑलमोस्ट हर परीक्षा के लिए यही पैटर्न है, इलाहाबाद की हाईकोर्ट वाली बता रहा हूं, आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस के, 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, मतलब 150 इधर कवर हो गया, 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के और 18-20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। ये है पैटर्न। अब आप ये समझिए कि इसका जो इसका कट ऑफ है वो अराउंड जो है 150 नंबर के आसपास जाता ही जाता है जनरल का, तो मतलब ये इतना आसान पेपर नहीं है, ठीक है। इसमें आपको नंबर आसान पेपर वैसे हो सकता है लेकिन फाइट बहुत टफ होती है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, इवन जो पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। इसका सिंपल रीजन ये कि जीएस का वेटेज बहुत ज्यादा है। 15 दिनों में आप अगर आप मेरे जो बताए हुए जो मेरे वीडियोज हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वीडियो दिए हुए हैं, अगर आपने उस सारे देख लिए, सिर्फ वही वाले वीडियो देखेगा जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस इसकी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूं, बस सारी चीजें जो है सब कुछ नहीं पढ़ना है, किस एग्जाम के लिए कौन सी चीज पढ़नी है, किस एग्जाम के लिए कौन सी चीज नहीं पढ़नी है, दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। 200 नंबर है, 200 क्वेश्चन है, ठीक है। 200 में से आप एक एक करके बात करते हैं। सबसे बड़ा वेटेज है जीएस का। जीएस में आपका जो है टोटल स्टैटिक भी आएगा, करंट भी आएगा। आपको सिर्फ इसमें जो मैं वीडियो दे रहा हूं वन लाइनर वाले पढ़ने हैं, उसी फॉर्मेट में पढ़ने हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वीडियोस हैं मेरे पास, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हैं, और ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है। अगर आप 15 दिन की छुट्टी ले लें अभी, जहां भी आप काम कर रहे हो, अब तो डिक्लेयर हो गई डेट, तो मतलब छुट्टी ली जा सकती है। अगर आपके लिए फाइनेंशियली वायबल हो तो जरूर आप छुट्टी लेके घर पे बैठ के चुपचाप भी पढ़िए, बस सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लास्ट के 15 दिनों में न्यू ईयर भी है क्योंकि, तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है कि अपनी जॉब लेना है, ये आपको डिसाइड करना है खुद। आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपका जीवन है, आपका करियर, आपका जो है डिसीजन होना चाहिए। तो इसमें आप 15 दिनों में अगर मतलब पूरा डेली 10-12 घंटे पहली बात तो पढ़ना है, 6 घंटे सोना भी बहुत जरूरी है क्योंकि माइंड अगर रिलैक्स नहीं होगा तो जो भी आप पढ़ेंगे वो सब भूलते जाएंगे। आप देखिए बात करते हैं 200 क्वेश्चन की। 100 क्वेश्चन आएंगे जीएस के। 100 क्वेश्चन में 5 जो है टॉपिक वो होते हैं स्टैटिक वाले, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस, प्लस स्टैटिक जीके वाला हो गया एक पोर्शन, स्टैटिक जीके, मिसलेनियस जीके, यूपी जीके, ये सब, ठीक है। इसमें मैंने देखिए वैसे तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, घटनाचक्र की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट में 15 दिनों में सब कवर हो नहीं पाएगा, जो बात साफ है। तो ऐसी ही चीजें मैं बता रहा हूं जो हो सके, ये हो सकती है। वीडियो बैठिए आप एक एक वीडियो डेली एक एक पापा खत्म करिए, आराम से होकर रहेगा ये, ठीक है। आपको 8-10 घंटे देने हैं। कुछ वीडियोस आप अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फॉलोअर हैं तो पहले से आपने देख रखे होंगे, जीएस के, जीके के, हिंदी के, ये सब वीडियो। अभी नया वीडियो जो है इसमें इंग्लिश पापा आने वाला है, आपको इंग्लिश पापा इसी प्लेलिस्ट में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं बता रहा हूं आपको, देखिए बुक्स के लिए तो आप लास्ट में, फिर अगर जो लोग पढ़ रहे हैं अपना लूसेंट पढ़ते रहे, लूसेंट, घटना चक्र और ये सब जो बुके हैं, प्लस करंट अफेयर के लिए तो हमारी जो मैगजीन आती है, बस मंथली जितना हम देते हैं, अभी हमने पापा वीडियो दे रखा है 1 जनवरी 2019 से लेकर 28 नवंबर 2019 तक का, हम ऑलरेडी जो है आप आपको पापा वीडियो दे चुके हैं, ठीक है, जिसके बारे में जो है पेपर में भी आया था, हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया था पापा वीडियो के बारे में, प्लस उस वीडियो से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में 18 सवाल डायरेक्टली आए हैं, ये भी एक फैक्ट है उसका। एमपी पीसीएस के लिए भी जरूरी है वो। अब उसमें जो करंट वाला पढ़ रहा है उसमें बस ये दिसंबर वाला और एक मंथ का अपडेट कर लीजिएगा 28 दिसंबर तक का, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, जीएस के लिए आपको 5, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी का वन लाइनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीके है उसका पापा वीडियो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बना चुके हैं, उतना आप पढ़िए उतना सफिशियंट है, ठीक है।
उतने में सारी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं वो हो चुकी हैं। प्लस अभी मैंने पॉलिटी का जो मैंने बताया था कि एक मुझे वीडियो और बनाना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो यूपी पीसीएस के टाइम से मैं बोल रहा हूँ लेकिन नहीं बना पाया, लेकिन आप जरूर बना दूंगा क्योंकि एमपी पीसीएस भी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी है, जूनियर असिस्टेंट भी है, तो वो वाला इसी में प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, पॉलिटिकली वो दोनों वीडियो हिंदी इंग्लिश में जो भी देखना आपको देख डालिए, हिस्ट्री के लिए वन लाइनर वाला है वो आप देख डालिए, हिंदी इंग्लिश वाला इतना तो देख लीजिए, हो जाएगा 10-10 घंटे के पापा वीडियो है यार, एक एक कर लो आराम से हो जाएगा, 1.25 या 1.5 की स्पीड लगा लो यूट्यूब में, देख डालो आराम से, बस उसको देखते जाओ, वहां पे पहचानना है, लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है वो, ध्यान रखिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट होना अपने ऊपर जरूरी है, दुनिया भर के जो है मोटिवेशन आप लोग को बता दिए जाएंगे लेकिन अगर आप अपने आप को जो है खुद मोटिवेट नहीं करना सीखोगे ना तो कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ये आप जरूर लिख दीजिए। तो आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना है, आपकी खुद की पढ़ाटी होनी चाहिए यार, कोई दूसरा क्यों आपको मोटिवेट करे, कोई दूसरा क्यों आपको जगाए, आपको खुद नहीं बनना है क्या, आपको खुद अपना करियर बनाना है, खुद आपको आगे आना होगा, कोई भी दुनिया का आदमी कोई भी जो है इंसान आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आप अगर आपको बनना है तो आपको खुद आगे आना पड़ेगा, खुद प्रयास करने पड़ेंगे, खुद इतना कूदा दिखाना पड़ेगा कि सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वीडियो देखने पड़ेंगे, लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये एक चीज समझिए। ठीक है, पॉलिटिक के लिए मैंने दो बता दिए, हिस्ट्री के लिए बता दिया, इकोनॉमी के लिए हाँ बता, इकोनॉमी थोड़ा सा डायनेमिक सब्जेक्ट है, इकोनॉमी के लिए मैंने यूपी पीसीएस के जो डे वाइज सीरीज चलाई थी उसमें डे 13 वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, देखिए उसमें से कौन कौन से डे इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं, एक डे 13 है, डे 14 और 15, डे 13, 14, 15 ये वाले मैं इसी प्लेलिस्ट में जोड़ दे रहा हूं, आप इसको देख डालिएगा, वो जरूरी है, वो इकोनॉमी भी है, लेटेस्ट मिनरल भी है, लेटेस्ट एग्रीकल्चर भी है, लेटेस्ट जो है सेंसस और अर्बनाइजेशन वाले भी फैक्ट है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी वाला हो गया, प्लस जो आपको जैसे इन्वायरमेंट के लिए एक पापा वीडियो जो छोटा छोटा सा है वो भी 8-8 घंटे का, छोटा मतलब पापा वीडियो के लिए तो छोटा ही है वो, आप उसको देख डालिए, उसमें सारे फैक्ट हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी के लिए भी वन लाइनर हमने बनाया हुआ है, उसमें मैप के साथ बनाया हुआ है, वो आप देख डालिए। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया, करंट अफेयर का एक पापा वीडियो है, उसमें सेक्शन वाइज हमने पहले करवाए थे, स्पोर्ट्स अवार्ड्स ये सब को जोड़ के पापा वीडियो दे रहा हूं मैं। अब आप इसमें बस एक काम ये करिएगा कि अभी जो हमारी मंथली मैगजीन आएगी 28 दिसंबर तक का, हम उसमें करंट अफेयर अपडेट करेंगे और वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा 30-31 दिसंबर तक का मिल जाएगा, वो वीडियो और देख लीजिएगा क्योंकि करंट जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो पूछ लेते हैं 15 दिन से जो है पहले तक का, तो 12 जनवरी को पेपर है, मेरे हिसाब से 28 दिसंबर तक का करंट अफेयर काफी रहेगा, वो हम अपने में कवर करवा देंगे। वैसे भी करंट अफेयर के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, करंट अफेयर के लिए वन डे एग्जाम्स और स्टेट पीसेस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेहतर करंट अफेयर कोई ना यूट्यूब में और ना ही कोई कोचिंग वाला दे सकता है, हमारा करंट अफेयर सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, सब कुछ कवर करता है, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, एमपी पीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे करंट अफेयर उसी से आते हैं, पूरे महीने हमारी टीम काम करती है करंट अफेयर में, इसीलिए हम एक भी जो है ऐसा करंट नहीं छोड़, कोई भी जो छोड़ते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, सारा करवाते हैं हम। एक हमारा मंथली होती है एमसीक्यू की, उसमें वीडियो प्लस, तो उसमें तो एमसीक्यू वाला दे देते हैं और प्लस उसमें हम पेड बुक में एक वन लाइनर वाला भी देते हैं, तो पीडीएफ जो है वो जरूर उसकी देख लीजिएगा, और हम एक डिटेल्ड वाला करंट अफेयर भी देते हैं, उसमें यूपीएससी तक का है जो आईएसपीसीएस तक का कवर होता है। ठीक है, तो आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट में 200 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन जो जीएस के हैं, अगर आपने मेरे ये बताए हुए वीडियो देख लिए, आप आराम से मैं ये मतलब दावा कर सकता हूं कि कम से कम 85-90 क्वेश्चन आप सही करके आओगे अगर सारी चीजें पढ़ ली आपने, लास्ट में उसको पढ़ते जाइए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, यहां लॉजिक नहीं करना है, यहां पे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, पता होना बहुत जरूरी है, ये मैं इसीलिए प्लेलिस्ट में ढूंढ ढूंढ के वैसे ही वीडियो दे रहा हूं जो जरूरी है, जो प्रीवियस ईयर में वैसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछली बार भी हमारे हमने पिछली बार बैच नहीं चलाया था लेकिन पिछली बार हमारे यूपी पीसीएस वाले करीबन 3 लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का सिलेक्शन लिया था, उसमें सीटें कम होती हैं तो जो है जितना 3 भी बहुत है, इस बार तो हम बैच चला रहे हैं लगातार, हमारे पेड ग्रुप को मटेरियल दिया गया है लगातार, रीजनिंग मैथ्स का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो जितनी पीडीएफ हमने दी पेड ग्रुप में उतना पढ़ लीजिएगा बस हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सेक्शन जो है इसमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं, इस पे किसी ने भी यूट्यूब में पूरी सीरीज नहीं दी है, हम इंग्लिश का पूरा पापा वीडियो देने जा रहे हैं, सिर्फ बोलते नहीं हम करते भी हैं, अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं,
कंप्लीट कवर करते हैं उसमें, एक एक चीज करवाते हैं हम लोग, पूरी की पूरी टीम हमारी इसीलिए लगी रहती है। मेन जो है मकसद आप लोग का सिलेक्शन करवाना है, पैसा कमाना नहीं है, पॉपुलरिटी लाना नहीं है, मेन चीज है सिलेक्शन करवाना। सिलेक्शन होगा तो पॉपुलरिटी भी आएगी, पैसा भी आएगा, बहुत सारे तो ठीक है। तो 100 नंबर का जीएस का मैंने बता दिया, इंग्लिश का 50 क्वेश्चन जो आएंगे आप ये पापा वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, लंबा है, देखना पड़ेगा ठीक है, बिना ऐसे बैठे बैठे नहीं होएगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। गाइड हम कर सकते हैं, वीडियो हम दे सकते हैं, 150 क्वेश्चन हमने इसमें बता दिया आपको अभी तक। 10 नंबर की आती है कंप्यूटर, इसमें बड़ी समस्या होती थी, अब इसीलिए मैंने दो कंप्यूटर का देखिए कंप्लीट थ्योरी और प्लस एमसीक्यू का एक पापा वीडियो हिंदी मीडियम के लिए, एक पापा वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए, सेम टू सेम वीडियो है वो, दोनों जो है वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, मतलब कर रहे हैं अभी, एक आजकल में हो जाएंगे, वो इसी प्लेलिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे ठीक है। आप वो 8-9 घंटे में पूरा कंप्यूटर को बिल्कुल जो है ABCD से लेके जितनी चीजें जो जीके के लिए जरूरी है वो आपको मिल जाएंगी उस वीडियो में ठीक है। कंप्यूटर का आप पापा वीडियो देखिएगा, बस 10 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं हो सकता है, सारा छान के एकदम जो है पूरा मार्केट का जो बेस्ट मटेरियल है, जहां जहां से जितने भी रिसोर्सेज हैं सब जगह से छान के लाया गया, वो ये इसमें वीडियो बनाने में काफी दिन से हम लोग लगे हुए हैं, तब जाके बन पाए ये वीडियो। 10 नंबर के लिए अगर आपको 10 घंटे पढ़ना पड़े तो मेरे हिसाब से कोई यार जो है बुरी डील नहीं है, 10 घंटे पढ़ के 10 नंबर अगर आप कवर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी फ्री में मिल रहा है, वीडियो फ्री है, पैसा नहीं है कोई, सिर्फ PDF के जो है पेड ग्रुप के में पैसे होते हैं, प्लस वहां पे गाइडेंस होता है, लगातार मैसेज मिलते हैं, इसलिए लास्ट टाइम पे अगर आप हमारा चाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, 3000 फीस है उसमें, जितनी PDF में जो वीडियो है मैं दे रहा हूं ना इन सब आपको मिल जाएगी ठीक है। अब इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो मैंने बता दिया आपको 150 नंबर का, 100 नंबर का जीएस के वीडियो बता दिए, 50 नंबर का इंग्लिश का वीडियो बता दिया, 10 नंबर का कंप्यूटर का वीडियो बता दिया। देखिए एक इंग्लिश मीडियम का, एक कंप्यूटर का, एक हिंदी मीडियम का, दोनों में थ्योरी पहले है फिर एमसीक्यू है, उसमें भी हिंदी वाले में भी थ्योरी पहले एमसीक्यू, फर्क बस दोनों में यही कि हिंदी वाले में हिंदी में लिखा भी हुआ है और हिंदी में समझाया भी हुआ है, जो इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन उसको समझने वाली भाषा में, बोलचाल वाली भाषा में समझाया गया है, प्लस तो 160 नंबर ये हो गए ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे 20 नंबर की आती है हिंदी ठीक है, हिंदी के लिए हमने हिंदी का पापा वीडियो बहुत पहले दे दिया था, 2 लाख के आसपास इसमें व्यूज हैं, उस वीडियो को रट डालो, चबा लो, बिल्कुल खा लो उसको, उस वीडियो को अगर आपने कर लिया आराम से, सिंपल बात यह है कि उसी से हो जाएगा सब कुछ, सब कुछ उसमें हमने करवा रखा है हिंदी वाले वीडियो में ठीक है। पूरे यूट्यूब में हिंदी उससे बढ़िया किसी ने नहीं पढ़ाई है अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, और जितने भी एग्जामों में हिंदी आती है उसी वीडियो को लोग यूज करते हैं और पूरा पूरा जो है पेपर करके आते हैं, आप भी अगर उसको देखोगे पूरा और जो है आप जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो बताओगे जरूर। अब देखिए हिंदी में कुछ टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर कर लीजिएगा, जैसे कि मुहावरे वाला जो भी, देखिए हिंदी का एक पापा वीडियो तो है ही, उसकी अलग भी प्लेलिस्ट है ठीक है, आप उसको अलग भी जाके जो टॉपिक्स हैं देख सकते हैं सिंपल, मतलब आपको कोई टॉपिक अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला देखना है तो सिंपल आप क्या करिए, यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में उस टॉपिक का नाम लिखिए और उसके साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जोड़ के उसको कर लीजिए। मान लीजिए आपको खोजना है मुहावरे, तो मुहावरे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ठीक है, तो मुहावरे वाला इंपॉर्टेंट है, विलोम इंपॉर्टेंट है, तत्सम तद्भव इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची, उपसर्ग प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए शब्द, अशुद्ध को शुद्ध करना, और जो है पठित गद्यांश अपठित गद्यांश होता है, ये वाली चीजें हैं आपको करना जरूरी ठीक है। एक चीज और बता दूं, करंट के पिछली बार 22 क्वेश्चन आए थे, करंट अफेयर्स को निगलेक्ट मत कर देना भैया जी और बहनी जी, करंट अफेयर 22 क्वेश्चन, समझ रहे हो आप, 200 में से 22 क्वेश्चन, 11% है करंट अफेयर में, जो हमने पापा वीडियो दे रहे हैं हम आपको जोड़ रहे हैं उसको खा लेना बिल्कुल, बहुत बड़ा वीडियो नहीं, 9 घंटे का है सिर्फ, आराम से एक दिन बैठ के कवर किया जा सकता है, पेड ग्रुप वालों को उसकी पापा PDF भी मिल चुकी है, 1 महीने का बस ये अपडेट और करना है बस, तो करंट वाला जरूर कर लेना। कंप्यूटर के पिछली बार करीबन 18-20 क्वेश्चन आए थे, जो सॉरी 10 क्वेश्चन जो आए थे, 10 मतलब जितने भी 10-12-18 जितने भी आते हैं उसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के आते हैं वो हमने पापा वीडियो करवा रखा है ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए ये वाला, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए हमारे जो 2 पापा वीडियो वो देखना है बस, सिंपल बात ये है ठीक है। तो 200 नंबर में से 100 GS ठीक, 50 इंग्लिश, 150, 10 नंबर 12 नंबर कंप्यूटर ठीक है, 10-12 जितने भी हैं ठीक है। उसके बाद फिर रीजनिंग के वीडियो, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 12-18,
कुछ ऐसे ही आते हैं मतलब, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको ये समझिए, देखिए रीजनिंग के लिए ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। लास्ट के 15 दिन है, कुछ कुछ सवाल आप पिछली बार के उठा के करिए, या फिर आप एक बात बताइए मुझे, जैसे मैं बीओ की सीरीज चला रहा हूं, क्या मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो रीजनिंग रीजनिंग वाले आए हुए हैं, या फिर कुछ मॉक टेस्ट टाइप मैं खुद बना के दूं उसमें, लेकिन मेरा लेवल थोड़ा सा जो है टफ रहता है, या फिर मैं देख रहा हूं अगर टीम के साथ मिलके ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कुछ हम लोग लास्ट में करते हैं। रीजनिंग के लिए एक बात बताऊं आपको, रीजनिंग के लिए हमने पूरा पापा वीडियो दे रखा है ऑलरेडी, वो पापा वीडियो जो है यूपी पीसीएस के लिए बनाया था, एक और बनाया था वो यूपी TSSC एग्जाम्स के लिए बनाया था। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लो, इलाहाबाद हाईकोर्ट बिल्कुल जो है खा जाओगे रीजनिंग उसकी, सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं उसमें, रीजनिंग में पिछली बार जो आए हुए क्वेश्चन है यूपी पीसीएस जो यूपी TSSC वो बताए हुए हैं। इलाहाबाद की जो रीजनिंग है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके वो वीडियो देख के, या फिर बिना वीडियो देखे भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आराम से जो है कर लोगे। हिंदी के लिए मैंने बता दिया कुछ टॉपिक्स 20 ये है, इतना कर लो। मेन चीज ये है कि लास्ट में वहां पे आपको इतना तो याद रखना है कि आपको करीबन 150 से ऊपर तो नंबर चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक चीजें पढ़नी चाहिए जो हम ये वीडियो बता रहे हैं। अगर आप ये वाले इतना अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है कि आप जितने मैं वीडियो दे रहा हूं इस प्लेलिस्ट में, इनको 2 बार कर सकते हो कम से कम, ठीक है। एक बार तो आराम से कर सकते हो। अगर आपको इन सब जो है इनकी पीडीएफ चाहिए तो क्रैश कोर्स आप अपना ज्वाइन कर सकते हैं, 3000 रुपए का है, लास्ट के 15 दिनों तक एडुकेटर साथ रहेंगे, ठीक है। सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस जो आप डाउट पूछोगे रीजनिंग मैथ का वो सब क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, प्लस आपको अगर लास्ट में अगर आप ज्वाइन करेंगे, हमने कई सारी सेक्शन वाइज क्विज कराई थी अपने पेड ग्रुप में, वो सारी आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी, तो आप उसको भी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो सीरीज के लिए अगर आपको चाहिए कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए, ये मॉक टेस्ट सीरीज जैसे मैं बीईओ के लिए चला रहा हूँ, वैसे अगर आपको चाहिए तो जरूर बताइएगा, कुछ करवाते हैं इसमें इलाहाबाद के लिए भी और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी, मैं सोच रहा था कुछ मिला के कुछ कर दूं ऐसा। अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, वरना बीईओ की तो हमारी लगातार चल रही है, ठीक है। इतना करिए, अपना सपने पर कॉन्फिडेंस रखिए थोड़ा यार। देखिए दुनिया भर का मोटिवेशन जो है आप सुन सकते हैं, लोग जो है जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं आपको नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल इंसान मैं हूँ, आप नॉर्मल इंसान आप हैं, आप जो है अपने आप को मोटिवेट खुद करिए। अगर आपको कोई लक्ष्य पाना है जिंदगी का तो आप खुद अपने रास्ते तय करिए, डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए, वरना आप पछताओगे या गलियाओगे दूसरों को कि यार इसने कहा था, आपको करना है आप खुद जानिए, ठीक है। बस ये है कि कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान आपको बस गाइड कर सकता है, अगर करना है तो उठो यार, काम करो, पढ़ो उसको, लगातार देखो वीडियो, सिर्फ बातें बनाने से नहीं होता है, बातें छोड़ना छोड़ दो। कई लोग मैंने देखा है जिंदगी में सिर्फ बातें छोकते रह जाते हैं, काम नहीं करते हैं, काम करो यार, उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, रीजनिंग के सवाल लगाने पड़ेंगे, कंप्यूटर का वीडियो देखना पड़ेगा, उसको जो है बार बार देखना पड़ेगा, उसके नोट बनाने पड़ेंगे, प्लस जो जीएस वाले हैं सब चीज देखनी पड़ेंगी, नहीं वीडियो देखने का मतलब पीडीएफ से पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़ना जरूरी है। और वहां पे एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम से जाइए कि आप करके आएंगे। होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जाम जो है सीटें भले ही कम है, लेकिन लोगों का सिलेक्शन होता है जो लगातार सीरियसली पढ़ते हैं। एक चीज मैंने बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से चाहे जितना कॉम्पिटिशन हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर जो लोग टैलेंटेड होते हैं, जो लगातार तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन पहले भी होता था, आज भी होता है, कल भी होता रहेगा। एक चीज और है, सब लोग जो है हर चीजों में सरकार को दोष देने लगते हो कि तुमने नौकरी कम कर दी, ये कर दी, वो कर दी। यार पहले क्या सरकारी नौकरियां सरकारें जो है घर में आके बनाती थी क्या, कि चलो तुम उठे हो, सो रहे हो, तुम चलो तुमको आईएएस बना देते हैं। पहले भी लोग मेहनत करते थे ना, तो आज भी अगर आप मेहनत कर रहे हो लगातार तो जरूर जो है सिलेक्शन होगा। दूसरों को कोसना छोड़ो, अपने ऊपर काम करो, खुद को आप इंप्रूव करोगे ना तो सब लोग अगर खुद को इंप्रूव कर लेंगे दुनिया इंप्रूव हो जाएगी। ऑल द बेस्ट है, इसी के साथ जय हिंद। जितनी भी चीजें मैंने बताई सारी चीजें हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहे हैं, एक प्लेलिस्ट इसीलिए मैं बना देता हूं। उस प्लेलिस्ट को मैं आपको जो है आज 26 तारीख है, 27 तारीख की रात से पहले वो प्लेलिस्ट जो है जितने उसमें वीडियोज बचे हुए हैं कोशिश करूंगा सारे वीडियोस में अपलोड कर दिए जाए। कंप्यूटर का जो है आपको हिंदी का पापा कल मिल जाएगा, इंग्लिश का पापा जो है वो भी कल मिल जाएगा, ठीक है, और सारी चीजें मतलब हो जाएगा सब उसमें। ये प्लेलिस्ट अपडेट होती रहेगी, कुछ और मगर टेस्ट सीरीज भी मैं बनाऊंगा, इसी में डालूंगा आके भी। अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी करोगे तो इसी से करना। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।